बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो देखिए, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ये तो सबके लिए कॉमन फीचर है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मोर इंपॉर्टेंटली दे हैव सेम कनेक्टिविटी। सेम कनेक्टिविटी मतलब एक दूसरे से एटम जो जुड़े होंगे वो सेम होंगे, ठीक है, सेम कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, ठीक। बट कहां पर ये डिफर करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे डिफर्स विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मीन्स हैव द डिफरेंट बिहेवियर, different behavior, behavior for plane polarized light, plane polarized light। वैसे तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बहुत ही ब्रीफ में आप लोगों को प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में बताता। आप लोगों ने फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ा होगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है और ये कैसे हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं। नेचर में जो लाइट हमारे पास है, चाहे वो नेचुरल सनलाइट हो या किसी भी ऑब्जेक्ट का, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का लाइट हो, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं होता है, वो नॉर्मल लाइट है। तो नॉर्मल लाइट के जो वेक्टर्स हैं, नॉर्मल लाइट में जो वाइब्रेशनल ऑसिलेशन है वो सभी डायरेक्शन में होता है। सबको पता है कि भाई ये लाइट छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में बना हुआ है, जिसको हम लोग क्वांटा कहते हैं और फोटोन कहते हैं, और ये फोटॉन्स जो है ऑसिलेशन में होते हैं। तो इनका जो ऑसिलेटरी मोशन होता है वो हर डायरेक्शन में होता है। और इसमें इलेक्ट्रिक, तो ये हो गया नॉर्मल लाइट, नॉर्मल लाइट, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट पे कैसे बताते हैं कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर भी होते हैं, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर जो है एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा जब भी ये प्रोपोगेट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे के, और उसके साथ साथ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन। तो मान लेते हैं ये एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन है, एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन, तो ये दोनों हमेशा इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो एक वेक्टर ये हो गया, और एक वेक्टर तो इस तरीके से ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, राइट। तो ये है बच्चों नॉर्मल लाइट की का बिहेवियर, इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होगा और मैग्नेटिक वेक्टर होगा, और ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। और हमेशा और भी एक प्रॉपर्टी होती है इसमें, वो क्या है कि बच्चों जिस एक्सिस के अबाउट ये मूव कर रहा है, ये उसके अबाउट इस तरीके से मूव करता रहेगा, क्वाइलिंग इस तरीके से। सो देखिए, तीन प्रॉपर्टीज हो गई नॉर्मल लाइट में। एक तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमेशा, और इसके साथ साथ ये ऐसे ऐसे घूमती रहेगी इस तरीके से। आप इसको ऐसे समझते हैं, समझ सकते हैं जैसे कोई एक आप स्टिक ले लीजिए और उसके ऊपर इस तरीके से बेल चढ़ जाती है क्वाइल करते हुए, इस तरीके से ये नॉर्मल लाइट, यानी जो सनलाइट हमारे लिए आ रही है या जो भी हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है बल्ब या ट्यूबलाइट से जो लाइट मिल रही है हम लोगों को, वो इस तरीके से एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है,
इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेक्टर, परपेंडिकुलर और उसके साथ साथ एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन के अराउंड इस तरीके से। और बच्चों बहुत ही सिंपल, अगर आप लाइट की इस प्रॉपर्टी को रोक दें, इस प्रॉपर्टी को रोक दें अगर, क्योंकि जब ये ऐसे करेगा तभी सारे डायरेक्शन में तभी जो है नॉर्मल लाइट का वाइब्रेशन आपको मिलेगा। अगर आप इस क्वाइलिंग प्रॉपर्टी को रोक दें, घूमने वाली प्रॉपर्टी को जो बेल की तरह घूम रही है, इस प्रॉपर्टी को रोक दें, तो जो लाइट आपको मिलेगी वो कही जाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में बेसिकली, इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट द circulating property about the axis of propagation checked, मतलब ये रोक दिया जाता है। तो जितने भी तरीके आपके पास पोलराइजेशन के हैं, प्लेन पोलराइज लाइट बनाने के हैं, वो सारे के सारे तरीके इसी को रोकते हैं। यानी जो क्वाइलिंग प्रॉपर्टी है, जो सर्कुलेटिंग प्रॉपर्टी है लाइट की, उसको रोक दिया जाता है तो वही प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है। और प्लेन पोलराइज लाइट का जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो इस तरीके से। तो ये है प्लेन पोलराइज लाइट, PPL, और ये एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन। तो इस दिशा में लाइट मूव कर रही है और ये इसका वाइब्रेशन प्लेन है, एक ही प्लेन में अब वाइब्रेशन होगा, ठीक है। दोनों लाइट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर दोनों एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेंगे। तो ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि नॉर्मल लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या फर्क है। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं बच्चों, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए डिफरेंट होते हैं, नॉर्मल लाइट के लिए डिफरेंट नहीं होते हैं, ठीक है। यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स का बिहेवियर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए अलग अलग होता है। यानी ये जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब देखिए, इट वॉज ऑब्जर्व्ड, थोड़ी सी हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात शुरू हुई। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट मेनी सब्सटेंसेस सच एज क्वार्ट्स क्रिस्टल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कैम्फर tartaric acid, lactic acid, rotates the plane, vibration plane of plane polarized light. Such substances are said to be optically active
ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर सकता हो, रोटेट कर सकता हो डिफरेंट डायरेक्शन में, उसके वाइब्रेशन प्लेन को रोटेट कर सकता हो डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. सो ऑप्टिकल एक्टिविटी इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ओके, एक और प्रॉपर्टी है, एक और इंपॉर्टेंट फीचर है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, कि ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स की भाषा में कि भाई ये स्केलर है या वेक्टर है, तो बच्चों ना तो ये स्केलर है ना ये पूरी तरीके से वेक्टर है, ये इसको हम लोग कहते हैं स्यूडो स्केलर प्रॉपर्टी. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा तो ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, डिफरेंट अरेंजमेंट चेंज होगा मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल में तो ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. दूसरा, ये स्यूडो स्केलर प्रॉपर्टी है. कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों? स्यूडो स्केलर क्या मतलब होता है? आप सबको पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो डायरेक्शन चेंज होने से भी चेंज हो जाती हैं, मैग्नीट्यूड चेंज होने से भी चेंज होता है, और स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं. ये क्या है? ये स्यूडो स्केलर है. इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एक ऑपरेशंस हैं मॉलिक्यूल में, कि अगर वो ऑपरेशन हम मॉलिक्यूल के ऊपर करें तो एक स्टेट में ये चेंज हो जाए और अगली कंडीशन में ये चेंज ना हो. तो अगर हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के साथ प्रॉपर ऑपरेशन करते हैं, प्रॉपर ऑपरेशन का मतलब होता है बच्चों रोटेशन, तो अगर किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं किसी एक्सिस के अबाउट, तो आप समझ लेना ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज नहीं होती. लेकिन अगर हम लोग उसका इम्प्रॉपर ऑपरेशन करते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, इम्प्रॉपर ऑपरेशन को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं. अगर आप किसी मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट कर दो, तो अगर इम्प्रॉपर ऑपरेशन करते हैं तो ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती. तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर ऑपरेशन से चेंज नहीं हो रही है और इम्प्रॉपर ऑपरेशन लाइक रिफ्लेक्शन से चेंज हो जा रही है, तो इसलिए यानी एक सिचुएशन में ये चेंज हो जा रही है, अगली सिचुएशन में नहीं चेंज हो रही है, इसलिए इसको हम लोग स्यूडो स्केलर कहते हैं. तो इसको हम लोग देख सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंजेस, इट चेंजेस with improper operation, reflection. बच्चों सिमेट्री की भाषा में improper operation, reflection को हम लोग improper operation कहते हैं, and will not change with proper operation. Rotation. So this is the reason why it is known as pseudo-scalar. Right? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ये एक तरीके की स्यूडो स्केलर प्रॉपर्टी है जो कि रिफ्लेक्शन से चेंज हो जाएगी. यानी अगर कोई मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, उस मॉलिक्यूल को अगर आप रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा, जो आपको रिफ्लेक्शन के बाद इमेज मिल रही है,
उसको आपको दूसरा मॉलिक्यूल मानना होगा, वो दूसरा मॉलिक्यूल होगा और उसकी प्रॉपर्टी, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पहले के रिस्पेक्ट में अलग होगी, ठीक है। यानी बेसिकली आप उस मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग तो यहाँ पर थ्योरेटिकल क्लास में क्या करेंगे, हमने कहा भाई ये स्ट्रक्चर है, इसको हमने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो रिफ्लेक्ट करने का मतलब बच्चे ये सोच लेते हैं कि अरे हमारा मॉलिक्यूल तो यही है, इसी को हमने रिफ्लेक्ट किया तो दूसरा मॉलिक्यूल कैसे बन गया। तो मैं उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर हम लोग थ्योरेटिकली इस बात को बता रहे हैं आपको कि बेटा जब आप इसको रिफ्लेक्ट करोगे तो जो भी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो रिफ्लेक्शन के बाद आपको अलग आइसोमर मिलेगा। हाँ, अब अगर आप एक्चुअली उस मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन ये चीज कॉन्फर्मेशन में पॉसिबल नहीं है। कॉन्फर्मेशन में रोटेशन के बाद जो आपको मॉलिक्यूल मिलता है, तो रोटेशन के बाद जो दूसरा आइसोमर मिलता है उसको आप चाहो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना, तो वो नहीं आप प्रिपेयर कर पाओगे, वो वही मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के बाद जो मॉलिक्यूल आपको मिलेगा वो पहले का क्या होगा, आइसोमर होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा, और उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होगी पहले के रिस्पेक्ट में, अगर पहला भी ऑप्टिकली एक्टिव है तो। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो देयर इज नो डिफरेंस वेदर यू हैव रिफ्लेक्टेड द मॉलिक्यूल और नॉट, नो प्रॉब्लम, ओके। तो होपफुली इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज स्यूडो स्केलर प्रॉपर्टी, ओके गुड। नाउ सी, सपोज दैट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड, सी इट वाज आफ्टर द मेनी सब्सटेंस सच एज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, सो यू कैन थिंक क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, तो नाम ही है क्रिस्टल, सबको पता है, बचपन से आप पढ़ते भी आ रहे हो, क्रिस्टल मीन्स सॉलिड। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी सॉलिड में भी मिल गई, कैम्फर ये भी सॉलिड होता है, टार्टरिक एसिड ये भी सॉलिड है। तो अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है यार ये टार्टरिक एसिड को अगर हम पानी में घोल लें तो क्या इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी रहेगी, या लैक्टिक एसिड है जो कि लिक्विड फेज में एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी रहेगी। तो अगर हम लोग इस ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोगों को तीनों फेजेस में मैटर के मिलेगी, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, तो आंसर है हाँ। बट फर्क इतना है कि गैस में बहुत रेयर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इसको, बहुत ही रेयर है, सॉलिड और लिक्विड में ये फ्रीक्वेंटली मिलता है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इट आई मीन नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल फेजेस ऑफ मैटर, फेजेस ऑफ मैटर, लिक्विड, प्योर लिक्विड, यस, इन प्योर लिक्विड यू विल गेट, इन द लिक्विड सॉल्यूशन ऑल्सो यू विल गेट, बिकॉज सॉल्यूशन आई कैन नॉट से सॉल्यूशन इज प्योर, सो लिक्विड सॉल्यूशन दिस ऑल्सो गेट, सॉलिड ऑल्सो यू विल गेट ऑप्टिकल एक्टिविटी, एंड गैस वेरी रेयर, बट यस, मैं ये नहीं कह सकता कि हमें गैस में मिलेगा ही ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए हो गई कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किन किन फेजेस में मिलेगी हम लोगों को, और इसके क्या फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है ये मैटर की, और ये स्यूडो स्केलर प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको कहेंगे, हर एक वो कंपाउंड जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर दे, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया है, सबसे आसान होता है हम लोगों के लिए सॉल्यूशन का मेजर करना, तो इसलिए मैंने वही एग्जांपल लिया है। मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड ए है जिसका हमने सॉल्यूशन बनाया है इन वाटर,
वाटर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वाटर में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो इट हार्डली मैटर्स कि हमने ए का सोल्यूशन वाटर में बनाया है। क्यों वाटर में बनाया है? क्योंकि वाटर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो इसलिए कोई हमारे एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर हम लोग इस सोल्यूशन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं, कौन सी लाइट को पास करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे? इधर से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम लोग को ये मिलेगा कि ये जो वाइब्रेशन प्लेन है इस लाइट का, ये मान रहा हूं कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा है। ये था नॉर्मल, इससे ये थीटा डिग्री इसको रोटेट कर दे रहा है। तो ये जो रोटेशन है इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इज हियर, डोंट कंसिडर ऑब्जर्वर हियर, क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को अगर आपने यहां पे मान लिया तो उल्टा हो जाएगा इसका। तो ऑब्जर्वर यहां पे है, यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है और लाइट इधर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये जो प्योर कंपाउंड ए है जिसका हमने सोल्यूशन लिया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ये कहेंगे कि ए इज ऑप्टिकली एक्टिव, ए इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक बात। और इस ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर भी हमें करना पड़ेगा, तभी तो हम दूसरे से डिफ्रेंशिएट इसको कर पाएंगे लिखने पढ़ने में। तो इसका नॉमेनक्लेचर, इस ऐसे कंपाउंड को या ऐसे आइसोमर को हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको हम लोग स्मॉल डी से भी लिखते हैं या फिर प्लस साइन के साथ भी लिखते हैं। देखिए इतने तरीके से हम लोग इसको, कैपिटल डी कतई मत लिखना बच्चों, there is a difference between capital D in the notation, science में notation symbol इनका बड़ा बहुत ही सोच समझ करके हमें use करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा dextrorotatory और ये compound हो जाएगा optically active। और theta को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर? Theta is called angle of rotation, angle of rotation, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग इसी ए का जो है रिफ्लेक्टेड इमेज यानी दूसरा मॉलिक्यूल ले लें, जिसको हम लोग ए डैश कह सकते हैं, ए डैश इन वाटर अगर हम लोग ले लें, ए डैश इन वाटर, और इस पर भी जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालें, दिस इज नॉर्मल, ऑब्जर्वर इज हियर, so this is theta, so this time the optical rotation what we are getting with respect to the observer, this is counterclockwise, so this rotation is counterclockwise। तो a dash को हम लोग क्या कहेंगे? a dash is also optically active, active,
एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज लीवोरोटेटरी लीवोरोटेटरी इसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल एल से या फिर नेगेटिव से, डोंट यूज कैपिटल एल। तो ए एंड ए डैश में हम लोग क्या कहेंगे, ए एंड ए डैश को हम लोग कहेंगे ए एंड ए डैश आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दे वर नेम्ड एज ए एनेंसियोमर एंड आल्सो नेम्ड एज एनेंसियोमर। तो यहां से बच्चों आपको एनेंसियोमर की एक डेफिनेशन मिल गई। क्या डेफिनेशन मिल गई? एनेंसियोमर्स ऐसे आइसोमर्स होंगे जिनका बिहेवियर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए अलग अलग होगा। यानी एक आइसोमर एनेंसियोमर का एक आइसोमर क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहा है तो दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यानी अगर दो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, प्लेन पोलराइज लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो आप उनको क्या कहोगे, एनेंसियोमर्स, राइट। सो एनेंसियोमर्स हैव एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में चीजें समझ में आ गई होंगी और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी और डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एनेंसियोमर्स भी होपफुली समझ में आ गया होगा। वैसे हम लोग बहुत सारे मेथड और आगे थ्योरेटिकल मेथड भी देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एनेंसियोमर्स। ये तो हुआ एक्सपेरिमेंट करके, हमारे पास थ्योरेटिकल मेथड्स भी हैं कि बिना एक्सपेरिमेंट किए भी हम लोग बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के एनेंसियोमर्स होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।